हाय गाइस, वेलकम बैक। भाई साहब, गाना क्या लॉन्च हुआ है, लेके प्रभु का नाम। इसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और अब कह सकते हैं कि टाइगर 3 का जो प्रमोशन, जिसका हम सबको इंतज़ार था एक्चुअली कि कब शुरू होगा, फाइनली वो किक स्टार्ट हो चुका है। प्रमोशन से रिलेटेड और साथ साथ में एवरेज टिकट प्राइस से रिलेटेड टाइगर 3 के बारे में बात होने जा रही है इस वीडियो में। और हम लोग बात करेंगे कि भैया एवरेज टिकट प्राइस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होने जा रही है टाइगर 3 की, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो का अंत तक देख लें, चैनल कर लो सब्सक्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उनके लिए जो एक्चुअली न्यूट्रल ऑडियंस, जिनकी हम लोग बात करते हैं, जो एक्चुअली फिल्म के आने के रिलीज होने के आसपास डिसाइड करते हैं कि उनको ये फिल्म देखनी चाहिए, देखनी है या नहीं। तो जैसे कि सबसे बड़ा फैक्टर किसी फिल्म को रिलीज़ होने से पहले उसकी बज क्रिएट करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है उस फिल्म का ट्रेलर और उसके गाने। तो गाने आज से शुरुआत हो चुकी है, लेके प्रभु का नाम आज से शुरुआत हमने कर ही दी है, काउंटडाउन तो कब से चल रहा है। लेकिन ऑफिशियली कह सकते हैं न्यूट्रल ऑडियंस में जो बज, मतलब लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो रहा है कि भैया ये फिल्म आ रही है, टाइगर 3 इस दिन को आ रही है, ये इसका गाना है। वैसे भी हुक स्टेप या हुक ऑफ दिस सॉन्ग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कैची है ट्यून। तो इसी के चलते एक एपिसोड में आपसे बहुत दिन से कह रही थी एवरेज टिकट प्राइस के ऊपर मुझे बनाना था। क्योंकि एवरेज टिकट प्राइस जो होती है हमारी ATP, जिसको हम एडवांस बुकिंग में ऐसे यूं ही बता देते हैं एक्चुअली, वही सबसे बड़ा फैक्टर होती है न्यूट्रल ऑडियंस को फिल्म डिसाइड करने में। तो जब हम बात करते हैं YRF मूवीज़ की, और वो भी एक बिग बजट मूवी की जो IMAX में रिलीज़ होने जा रही है और कह सकते हैं 100 से ज़्यादा देशों में रिलीज़ होने जा रही है वर्ल्ड वाइड, प्लस ऑफ कोर्स हमने स्पाई यूनिवर्स की बात करी है। तो जब ये सारे फैक्टर्स आते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस फिल्म के, उसको देखने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, स्पेशली YRF के की फिल्मों के लिए। तो हमने इससे पहले हिस्ट्री में अगर हम जाकर देखें तो पठान के वक्त की याद आती है। जब पठान का टाइम था, पठान रिलीज़ हो रही थी, उस वक्त पर मुझे अच्छे से याद है कि टिकट्स के जो प्राइसेस होते थे उस वक्त के, 2D नॉर्मल 2D वर्जन की मैं बात कर रही हूँ, 350 रुपये से कम, मुझे याद नहीं है कि मैंने 350 रुपये से कम की फिल्म देखी है YRF की अभी रिसेंटली, कोई बड़ी फिल्म। और स्पाई यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं, तो आप अगर हम वर्जन्स की बात करते हैं तो पठान में जो IMAX वर्जन था, और 3D में भी थी पठान, IMAX 2D की मैं आपको बात बता रही हूँ, एक सर्ज पर चली गई थी। एज आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री, यानी इस फिल्म को देखने के लिए मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगी, 3 से 4 लोग अगर फैमिली में होते हैं तो हम क्या इस फिल्म को अफोर्ड कर सकते हैं देखना या नहीं, मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब बात होती है अगेन भाईजान की, मासेस वाले एक्टर्स की, ऐसी थीम लाइंस की जैसे स्पाई यूनिवर्स हो गया, तब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्राइसिंग हो वो कॉमन मैन प्राइसिंग होनी चाहिए। जैसे पठान के टाइम पर क्या हुआ था कि पठान के टाइम पर इतनी डिमांड हो गई थी उस फिल्म की, इतनी ज़बरदस्त डिमांड थी पठान की, कि प्राइसेस सर्ज पर चले गए। जैसे मैंने कहा सर्ज पर चले गए, मतलब अगर कोई टिकट आपको 350 रुपये की मिलती है, 400 रुपये की मिल रही थी, वो उस वक्त पर 600, 700, 800, 1000 रुपये तक की भी टिकट मिल रही थी। नॉर्मल 2D वर्जन की बात करती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी, मतलब मैंने खुद ही जो बुक माय शो पर खुद ही देखा था, अगर हम बैंगलोर जैसी सिटीज़ की बात करते हैं जहाँ पर इनकम रेट ज़्यादा हाई है और आप कह सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास वाली जेंट्री ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो एवरेज टिकट प्राइस था वो 600 रुपये था। सो यहाँ पर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि टिकट प्राइसिंग की। मगर टाइगर 3 के साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट जुड़ा हुआ है, उस बेनिफिट को पठान के टाइम पर उतना रीप नहीं कर पाई थी YRF। सबसे बड़ा बेनिफिट जो जुड़ा हुआ है टाइगर 3 के साथ, वो ये कि इस वक्त पर सिंगल स्क्रीन्स रिवाइव हो चुकी हैं। जी हाँ, सिंगल स्क्रीन्स, हमारी प्यारी सिंगल स्क्रीन्स, जो एक्चुअली किसी फिल्म को जब हम देखते हैं तो उसका जो एटमॉस्फेयर बनाती हैं, जो माहौल क्रिएट करती हैं उस जगह पर, वो सिंगल स्क्रीन्स करती हैं। और सिंगल स्क्रीन्स में टिकट प्राइसिंग बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त, 150 रुपये, 180 रुपये, ये पठान के टाइम पर भी था। डिलाइट सिनेमाज जैसे सिंगल स्क्रीन्स में आपको 150 रुपये, 180 रुपये में पठान देखने को मिल सकती थी। तो लेकिन क्योंकि उस वक्त पर इतना रिवाइवल ही नहीं हुआ था कोविड के बाद से, सिंगल स्क्रीन्स बहुत सारी बंद हो गई थी, लेकिन इस साल में बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। इस साल में हमने देखा है कि कैसे गदर के टाइम पर, गदर से पहले भी, जैसे अब अगर हम बात करते हैं पठान की, तो पठान से ही रिवाइवल शुरू हो गया था, फिर गदर, फिर जवान ने तो कमाल कर दिया सिंगल स्क्रीन्स में, कह सकते हैं जान फूंक दी जवान ने। और अब जब टाइगर आ रही है तो टाइगर ने तो अलग ही कमाल कर दिया। टाइगर भी अब जब आएगी तब आप देखेंगे कि जो हम रेशो ऑफ टिकट्स बुक्ड का जो हम रेशो देखते हैं ना, जिसमें हम देखते हैं कि सिंगल स्क्रीन वर्सेस नेशनल चेंज, यहाँ पर देखना आप सिंगल स्क्रीन्स में मज़ा आएगा, और एक्चुअली वहीं से हमको ज़्यादा कलेक्शंस भी मिलेंगी।
सो बहुत इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस मुझे लग रहा था कि ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, हम किसी फिल्म को किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं तो हमारा कितनी जेब से पैसा खर्च होगा। तो अगर सिंगल स्क्रीन्स में बहुत बढ़िया रेशियो चलता है, बहुत बढ़िया स्क्रीन्स मिलती हैं जिसका जिसकी पूरी उम्मीद है सिंगल स्क्रीन्स में टाइगर फाड़ के रख देगी दिमाग को, तो वो जो चीज़ है वो आई थिंक टाइगर के टाइम पर मज़े आने वाले हैं। और दिवाली का समय वैसे ही होगा, लोग पब्लिक पागल हो रही होगी, फिर भी मैं आपको बता दूँ नेशनल चेंज में सर्ज आएगा ही आएगा। और नेशनल चेंज में एवरेज टिकट प्राइसिंग 400 रुपये से कम की मुझे नहीं लगता कि होगी, ये जवान वाली प्राइसिंग नहीं होगी। जवान ने तो कमाल कर दिया था, जवान की तो एवरेज टिकट प्राइसिंग बहुत ही सस्ती थी, 200-250 रुपये ऐसी थी। लेकिन अगर YRF भी यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और प्राइसिंग थोड़ी कम रखते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब टाइगर वाली कलेक्शन कोई भी फिल्म नहीं कर पाएगी, ऐसा तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। सलमान खान का मास स्टारडम ही ऐसा है। क्या लगता है आपको इस फिल्म की टिकट प्राइसिंग को लेकर, और क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं कि जो सलमान खान की फिल्म टाइगर को टॉप नॉच वाले ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, तो यार अगर आप मुझसे पूछोगे मैं अभी कह रही हूँ इट विल बी एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, इसमें तो कोई राय है ही नहीं, कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, जो हम लोग रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, कितना रिकॉर्ड बना देगी, फास्टेस्ट इतना, फास्टेस्ट उतना, लाइफ टाइम इतना, ग्रॉसिंग उतना, नेट कलेक्शन इतना, ये जो है क्या लगता है आपको इसमें टिकट प्राइसिंग कितना मैटर करती है? आपको क्या लगता है आप किस टिकट प्राइसिंग पे टाइगर 3 देखना पसंद करने वाले हो? कमेंट सेक्शन में उसे शेयर करना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। और बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल स्टार फैंक्स।